कोई पागल ही होगा जो हवा में लटकने के 2800 रुपए दे। बॉस खाना है बॉस। मेरा लंबा आ रहा है दोबारा इस पे। आज हम खाएंगे जमीन से लेकर आसमान तक के सारे अतरंगी रेस्टोरेंट्स का खाना। माय रोबो इज कमिंग टू मी। चिट्टी आ रहा है चिट्टी। ऐसे रेस्टोरेंट जिनमें प्लेन से लेकर टॉय ट्रेन तक शामिल है। भाई ये जानते हैं कि क्या केवल जगह यूनिक बना देने से खाना भी यूनिक बन जाता है। तो आज के दिन का पहला अतरंगी भोजन में करने आया हूँ एक ऐसे उड़ ना पाने वाले हवाई जहाज में जो कि एरोप्लेन के भेस में ढाबा है। प्रेजेंटिंग यू दिल्ली का रनवे 101। नहीं वन रनवे वन रनवे वन। गाइस ये एयरक्राफ्ट ना बेसिकली ट्रेनिंग मॉडल्स होते हैं जो कि इन रेस्टोरेंट के ओनर्स बिल्ड करवाते हैं। कॉस्ट करीब 3 से 5 करोड़ रुपए की पड़ती है। एक सवाल है राहुल जो बहुत ज्यादा मेरे को तड़पा रहा है। एयर होस्टेस होंगी? देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर एक का कब देवी और सज्जनों लीड पायलट आयुष सुप्रा के साथ आज हमारे कॉकपिट में मौजूद है राहुल छपरी जो हमारे साथ प्लेन उड़ाने वाले हैं। अगर आपकी ये आखिरी यात्रा हुई तो ऑल द बेस्ट। ये बाहर से एरोप्लेन है और अंदर से हरियाणा रोडवेज की बस। अंदर इतनी गंदगी है, इतना सड़ा पड़ रहा है ना रेस्टोरेंट। आप सीटों की हालत देखो ना, वो भाई साहब धूल मिट्टी चढ़ी पड़ी। या तो मैं बहुत ज्यादा हॉट हूँ या फिर इस एयरप्लेन रेस्टोरेंट में एक बेसिक फैसिलिटी मतलब एसी भी नहीं है। और साथ ही साथ एक और दुखी खबर है कि अंदर एयर होस्टेस भी नहीं है। सारा मूड खराब कर दिया है। खाना क्या मेरा मूड सुधार पाता है? लेट्स फाइंड आउट। मतलब शक्ल देख कर मेरे को वाइब आ रही है कि भाई ये मतलब रद्दी निकलने वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री मक्खियाँ मिल रही हैं आपको वो अलग। इतना मोटा कौन सा इटालियन इतना मोटा मार्गरीटा स्टाइल पिज्जा बना रहा है भाई? जो मेरे को अगर बोलेगा ना कि ये मार्गरीटा स्टाइल पिज्जा तो उसके मुंह पे तो मैं चाटा मारूंगा। लेकिन टेस्ट इसका डिसेंट है। और दूसरी एक अच्छी चीज ये है प्राइसेस रीजनेबल है। हमारे पास चिकन पिज्जा ड्रिंक बटर चिकन रोटी ये 5 आइटम 1500 में आए। अब अगला आइटम ट्राई करते हैं हांगकांग चिकन। हांगकांग से आया ये चिकन। इनका खाना पता कैसा है? चीप वाले लॉन्च होते हैं बादशाह वाले बिल्कुल ही वैसा टेस्ट है। इतना ज्यादा ऑयली हर चीज को ना बहुत बड़ा बड़ा कर डाला हुआ है। ये भी डिसेंट था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कुछ भी नहीं है अभी तक। तेरे को लग नहीं रहा है मटर पनीर की ग्रेवी है? अबे चिकन को पोलियो हुआ था। चलो शुक्र है कुछ तो खाने लायक है। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे मेन कोर्स का आइटम फिर भी ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे ना तो मेरे ख्याल से इससे बुरा नहीं हो सकता था। हम बढ़ते हैं अपने अगले यूनिक रेस्टोरेंट की तरफ क्योंकि ये तो बिल्कुल यूनिक नहीं था। हमारे आज के दिन के अगले यूनिक रेस्टोरेंट की खासियत है कि यहां आपका खाना भी ट्रेन से चलते हुए आता है पूरे छैया छैया करते हुए। और ये ट्रेन भी कोई ऐसी ट्रेन नहीं है बल्कि वो वाली टॉय ट्रेन है जिसके लिए बचपन में हम सब जमीन पर लौट जाया करते थे। आप ही करते होंगे वो हरकतें। इस बकवास में अपना समय नहीं गुजारते और चलो इस टॉय ट्रेन में अपना कोच रिजर्व करते हैं। आ जाओ यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाइस अंदर का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। ये देखिए अहमदाबाद स्टेशन पे बैठे हैं अभी हम। साथ ही साथ यहाँ पे वेटर्स तो हैं आपको असिस्ट करने के लिए लेकिन आपका खाना जो है मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। हाय राहुल भाई ट्रेन से खाना। अरे अनुराधा कब बड़ा होगा तुम्हारा? कभी नहीं। अरे इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये भी ट्रेन स्टाइल में बना हुआ है यार। मेरे को भैया से एक बहुत जरूरी सवाल करना है, क्या यहाँ का खाना इंडियन रेलवे जैसा होगा? थर्ड क्लास टेस्टी खाना रहेगा जैसी आपकी इन्वायरमेंट भी बना दोगे? चलो ठीक है भाई, मेरी तो बस एक ही क्राइटेरिया है कि इंडियन रेलवे जैसा बेकार खाना ना हो, बस यहाँ का यही उम्मीद है। और मेरे को बहुत इंतजार है मेरी ट्रेन का आने का। ये कौन सी ट्रेन है भैया? अरे बोला ना लिक्विड एटम और पिज्जा समझ गया। मैंने कहीं बाद में बोल दो भाई साहब मैं ही तो हूँ ट्रेन से यादव। मुझे ट्रेन से बहुत ऑब्सेशन है मुझे ट्रेन से। मैंने बचपन में भी आप कभी खरीद नहीं पाया, मतलब गरीबी बहुत थी। आ रही है गाइस ट्रेन आ रही है। तो भाई ट्रेन के थ्रू हमारा पहला आइटम आ चुका है, दैट इज चिली मशरूम, और दूसरा है पिज्जा, तीसरा है एक ऑरेंज वाली ड्रिंक जो हमने आधी पी ली है। पिज्जा किंग के पिज्जा जैसी मतलब स्ट्रीट साइड पिज्जा जैसी की शक्ल लग रही है। टेस्ट देखते हैं कैसा है। भाई मैं एक्चुअली तेरे को कसम की बात बताऊं ये सेम पिज्जा मैं घर पे बना सकता हूं जो ये 350 रुपए का पिज्जा है। अगला ट्राई करते हैं चिली मशरूम। बड़ा ही बेसिक बड़ा ही फ्राइड सा चिली मशरूम है जो मेरे ख्याल से इतना खास तो नहीं है, मजा तो नहीं आया। लेकिन साथ ही साथ हमारा अगला ऑर्डर जरूर आने वाला है तो उसका इंतजार करते हैं, शायद वो अच्छा निकले। टॉय ट्रेन हमारा इस बार जो लेके आई है ना खाना वो है कढ़ाई पनीर, साथ में है हमारी बटर रोटी। ओहो क्या बात है भाई क्या बात है। और कुछ बचा है? और कुछ नहीं आएगा तो उसको वापस भेज दें। निकल जा भाई।
यहाँ पे मूड चेंज होता है या नहीं, लेट्स सी। मेरे ख्याल से गाइस इस रेस्टोरेंट की इकलौती खास बात है इसकी टॉय ट्रेन, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। खाना बहुत ही ज्यादा मीडियोकर, बहुत ही ज्यादा एवरेज है। व्हाट आई विल सजेस्ट कि अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे तो उनको आप लाकर एक एंजॉय जरूर करवा सकते हो एक दो मिनट के लिए, लेकिन ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस डिसअपॉइंटिंग रहने वाला है। और इस यूनिक रेस्टोरेंट ने भी मेरे को इम्प्रेस नहीं करा, अभी भी यूनिकनेस ढूंढनी बरकरार है। तो वीडियो में बने रहिए, बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन पर। मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। अबे ये क्या कर रहे हो भाई? रोबो रेस्टोरेंट में जाना है ना, तो रोबो लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत गंदी कोशिश है गाइस। रोबो रेस्टोरेंट, भाई क्या बातचीत है इस रोबो रेस्टोरेंट की, क्या ये यूनिक है और क्या यहाँ का खाना यूनिक है? चलो चलकर पता लगाते हैं, आओ। ओह माय गॉड गाइस, माय रोबो इज कमिंग टू मी। चिट्टी आ रहा है, चिट्टी। ए वाईडी, ए हेलो, ए पागल औरत। Echo, what's your name? Hello, foodies. Myself, Mishu. Welcome to Robolicious. I am here to serve you. Rahul, talk to her, bro. Show me your rizzing skills. Hi, Echo. Hi, Echo. Thank you. I hope you like the food. तेरी जिंदगी से भी इस तरह लड़कियां एग्जिट कर जाती हैं ना, जब तू उनसे बोलता है हाय, हाय, Echo, हाय। गाइज अभी अभी आई लर्नड वन थिंग कि ये एक पर्टिकुलर ट्रैक नीचे बिछा हुआ है और इसी पाथ पर ही दिस रोबोट कैन गो। हेलो भाई राहुल, फिर से सफर शुरू हो गया यार। इतनी देर में तो मैं उठा लाऊं किचन से अपना खाना। Here is your food buddy. Please take the food and press the exit button. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब। दही के छोले बनाए भी रोबोट ने है क्या? ना ना ना, ये इंसान ने बनाया है, इसको लाया रोबोट। भाई राहुल शुक्र है इसको रोबो ने नहीं बनाया है, क्योंकि अच्छे बने हैं। ओके दिस इज डीसेंट, बट ओवरऑल द आफ्टर टेस्ट इज नॉट बैड। क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट काफी अच्छी है, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा खाना खाने के बाद। तो मैं तो इसके खाने को पास करता हूँ भाई। भाई ओवरऑल यहाँ का खाना इज रियली गुड। ये हमारी आज के लिए इसका बेस्ट यूनिक रेस्टोरेंट बनता है नहीं, अभी दो खतरनाक दावेदार आने बाकी हैं। मैं भी आपको लेकर चलता हूँ अपने आज के दिन के अगले यूनिक रेस्टोरेंट पर। आओ, मैं जिस अगले यूनिक रेस्टोरेंट में आपको लेकर आया हूँ, वो बेसिकली एक रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि एक शो है, और शो का नाम है ला पटीन, जो कि होता है 5-स्टार होटल शांग्रीला में। इस शो को देखने की कीमत होने वाली है 6,000 रुपए पर पर्सन। कहाँ है महंगाई, मतलब मेरे और आक्षी के दोनों के अंदर जाके शो को एंजॉय करने की कॉस्ट है 12,000, जिसके अंदर 5-कोर्स मील हमें खिलाई जाएगी। क्या एक्सपीरियंस रहेगा इस फ्रेंच शो का, चलिए अंदर चलकर पता लगाते हैं। आइए गाइस, ये शो ला पटीन एक ऐसे आर्ट फॉर्म के ऊपर बेस्ड है जिसको इंग्लिश में हम स्कल मैपिंग और हिंदी में खोपड़ी मानचित्रण कहते हैं। यहाँ मौजूद हर टेबल के ऊपर एक प्रोजेक्ट वाला सेटअप लगाया गया था, जिसके थ्रू एक लाइट हमारे टेबल्स पर स्टोरी को विजुअली कास्ट करने वाली थी। और सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग तो ये चीज थी कि हर स्टोरी के एंड में जो डिश तैयार हुई, वही सेम डिश हमारे खाने के लिए परोसी गई। अब भाई 7,000 रुपए भरे थे, तो हमने उम्मीद लगाई थी कि खाना भी कुछ कमाल ही आएगा। और हमारे आज के मेन्यू की पहली डिश थी ये बुर्राटा चीज सैलेड। है इतनी भारी प्रेजेंटेशन और इतना छोटा सामान। बहुत ही भद्दी स्मेल के साथ हमारी पहली डिश सर्व करी गई, जो एक्चुअल में केवल एक चीज का टुकड़ा था। आप खुद बताओ, आपकी जेब से 7,000 रुपए खर्च हो और आपकी प्लेट पर खाने की शक्ल ऐसी हो, तो आपको कितना बुरा लगेगा? अमीरों के बीच कहीं गरीब न लगो, बस इस डर से मैंने अपने आंसू रोक रखे थे। फिर जैसे तैसे गाइस मैंने इस चीज के टुकड़े को खाने की हिम्मत जुटाई, और इसके कलेजे में घुसते ही मुझे फील हुआ कि बेटा अब तो उल्टी आई। यार ये खाने के बाद तो मैं अगली डिश को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इस बार टेबल पर कुछ सी फूड बेस्ड सूप की प्रिपरेशन दिखाई जाने लगी। फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे टेबल पर सर्व हुआ ये टमाटर का सूप। ऑनेस्टली बताऊं तो ये सूप टेस्ट में काफी अच्छा था। अब सूप के बाद हम बढ़े अपने मेन कोर्स की तरफ। इसमें हमारा छोटू सा शेफ जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके चिकन पका रहा है, और साथ में कुछ वेजीज भी सजा रहा है। हालांकि हमारे टेबल पर जो आया वो ये था, क्योंकि बताया था ना हमने, तो वेज लिया है क्योंकि वो सस्ता था। धुएं की इस चादर से निकलती हुई इस कमाल की डिश का नाम था वाइल्ड मशरूम एंड कर्ड बटर रेवियोलो, जो बेसिकली पास्ता बेस्ड एक मशरूम और चीज की स्टफिंग वाली डिश थी। ये डिश देखने में सुंदर थी और खाने में डिसेंट थी, पर इसका प्रोपोर्शन इतना कम था कि इस छोटे से शेफ का भी पेट ना भरे। एक तो जिंदगी में मौत आ जाए, पर ऐसे फोक और बटर नाइफ से खाने की नौबत ना आए। थर्ड के बाद अब शुरू हुई फोर्थ डिश की मेकिंग, जिसका नाम था ग्रीन एस्परेगस रिसोटो। मुझसे अब एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत करो और स्टोरी देखो।
वीडियो दिखाई लॉबस्टर की और टेबल पे आया ये। मुझसे इसकी एक बाइट से ज्यादा नहीं खाई गई। जाते जाते इन्होंने हमसे पूछा कि कोई स्पेशल ओकेजन, तो वाइफ का बर्थडे कल ही गया था तो लगे हाथों अक्षी का केक भी कटवा दिया। वैसे केक से आधा अक्षी के बर्थडे पे हमने 1000 लोगों का ग्रैंड भंडारा भी ऑर्गेनाइज किया था, उसका व्लॉग आप शॉर्ट्स चैनल पर जाकर देख लेना, क्योंकि वहां पैसे खर्च करना आज के इस चूने लगने से तो काफी बेटर था। इसी के साथ गाइस हमारा भी एक्सपीरियंस समाप्त हुआ। इस यूनिक रेस्टोरेंट को मैं पास करूंगा ये फेल, आप जानिए वीडियो के एंड में। तब तक नेक्स्ट लोकेशन गाइस। आज के दिन का पहला रेस्टोरेंट तो हमें आसमान की ऊंचाइयों में ले जा नहीं पाया, लेकिन आज के दिन का आखिरी रेस्टोरेंट जरूर हमें सितारों की सैर करा देगा। अबे ओ शायर, सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आओ ना। मेरे अंदर के शायर को तुम बाहर ही नहीं आने दोगे, तभी साला इंसान ना ब्रेकअप के बाद ही अच्छा शायर बनता है। अरे कहना क्या चाहते हो? चिप्स मांग रहा है। तो गाइस अगर आपको भी अपनी नाराज बीवी को मनाना है ना, तो उसको नोएडा के फ्लाई डाइनिंग में जरूर लाना, क्योंकि ये रेस्टोरेंट जमीन पर नहीं आसमान में है। मतलब अभी गया नहीं है, अभी जाएगा आसमान में। तो आसमान में इस खाने का एक्सपीरियंस चलो साथ में लेते हैं, आ जाओ। तो भाई मैं फ्लाई डाइनिंग यानी कि आसमान में बैठकर खाना खाने के इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए लीस्ट एक्साइटेड था, फिर भी 2500 रुपए भरकर अपने हाथों में फ्लाई डाइनिंग का बैंड पहनकर मैं पहुंचा अपनी सीट तक। मेरे को अभी अभी रियलाइज हुआ है कि आसमान में जाके मेरी बहुत फटती है हाइट से। यहाँ गाइस ये झूला जितना ऊपर जा रहा था मेरा ब्लड प्रेशर उतना ही नीचे जा रहा था। तो नीचे दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा लगे कि हम जमीन से कितने ऊपर हैं। कितनी देर के लिए? 45 मिनट। भाई ऐसा गाइस सच बता रहा हूँ, मेरा जितना जी कच्चा ऊंचाई से नहीं हुआ था उतना इस डिश को देखकर हो गया यार। जैसे तैसे गाइस मैंने इस बर्गर का एक बाइट टेस्ट करा जो मुझे बेहद ही बेकार लगा। साला मेरी जान रिस्क पे डाल के मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खिला। उसके बाद प्रिपरेशन शुरू हो गई हमारी सेकंड डिश की, जो थी स्प्रिंग रोल और फ्राइड चिकन। द फेस ऑफ द फूड कैन टेल द स्टोरी गाइस। ये आसमान में खाना खाने का कोई सेंस नहीं है। बेसिकली ये दोनों आइटम मैकेन्स के रेडी टू ईट वाले थे, तो आप समझ जाओ टेस्ट कैसा होगा। इसी निराशा के साथ हमारे टेबल पे तीसरी डिश भी चली आई, जो थे स्टीम्ड मोमोज। एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत बढ़ाना गाइस, ये भी रेडी टू ईट वाला ही टेस्ट था। तो हम बढ़े अपने दिन की सेकेंड लास्ट डिश की तरफ, विच वॉज नान दाल एंड बटर चिकन। Once again, guys, this was another disappointment. Worst खाना है, worst. अब भाई लास्ट था डेजर्ट, मुझे ज्यादा उम्मीद थी नहीं, तो वनीला आइसक्रीम देखकर मेरा दिल दुखा नहीं। मैंने इसे खाना न खाना एक बराबर समझा, क्योंकि भाई जल्दी खाऊंगा तभी ये झूला जल्दी वापस जाएगा। और फिर लाख मिन्नतों के बाद मेरी आरजू आखिरकार कबूल हुई। मेरा प्राण निकल गए मेरे पैरों से, मेरा आ रहा है दोबारा इस पे। 2500 रुपए में आपको हार्ट अटैक देने की स्ट्रेटजी है स्कीम। तो गाइस आज बड़ी निराशा के साथ बड़ी दुखद खबर मेरे को आपको देनी पड़ रही है कि ठीक ठाक खाना होने के बावजूद मेरे को आज द येलो हाउस रोबोट रेस्टोरेंट को इस वीडियो का विजेता बनाना पड़ रहा है। उनका भी खाना कोई इतना खास नहीं था, लेकिन आज की लिस्ट में एक से एक वाहियात खाने वाले रेस्टोरेंट थे जिसमें से वो कंपैरेटिवली बेटर था। और ये फ्लाइट है नहीं, ये जिसपे हवा में, इस पे कभी मत आना, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ। मतलब बढ़िया बंदे हैं वैसे, सही है सब कुछ, बट भाई मेरी फट गई यार, कसम से बता रहा हूँ। और इस वीडियो पे तुम जितने मर्जी लाइक कर दो, मैं भैंचो पार्ट 2 करूंगा ही नहीं। टेक केयर गाइस, बाय बाय। मैं करूंगा ही नहीं भाई।